दोस्तों सीखने के हिसाब से दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वो जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, करके सीखते हैं, और तीसरे वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी तरीके से सीख नहीं पाते। दोस्तों सबसे पहले वाले लोग सबसे शानदार लोग होते हैं, जो दूसरों के द्वारा की गई गलतियों से सीखते हैं, जो सबक दूसरों ने लिए हैं अपने जीवन में उन्हीं को आधार बनाकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों की सीख के बारे में, जिन लोगों ने अपने जीवन में शानदार सफलता प्राप्त की है और जिन्होंने अपने जीवन को शानदार तरीके से जिया है, उन्हीं के 9 बेहतरीन सबक आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वो 9 शानदार सबक क्या है जो इन सफल और महान लोगों ने हमें दिए हैं। पहला लेसन, रेपुटेशन इज एवरीथिंग। दोस्तों जीवन में किसी व्यक्ति का यदि पैसा चला जाता है तो उसका लगभग कुछ नहीं गया होता है, पैसा फिर से दोबारा कमाया जा सकता है। यदि आपकी रेपुटेशन चली गई तो आपका सब कुछ चला गया, ये कहना है वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक और सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। यदि आपकी रेपुटेशन चली गई तो आपके पास क्या बचेगा? सारी उम्र आदमी लगा देता है उस रेपुटेशन को बनाने में, उस प्रभाव को बनाने में, उस सामाजिक आयाम को बनाने में, और एक कोई भी गलत काम वो सारी की सारी रेपुटेशन को ख़त्म कर सकता है। इसलिए अपनी रेपुटेशन के साथ कभी भी समझौता मत करें, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी रेपुटेशन, आपका प्रभाव दांव पे लग जाए। दूसरा लेसन, गिव मोर। दोस्तों पूरी प्रकृति देने के सिद्धांत पर काम करती है। हम सारी उम्र प्रकृति से, लोगों से, समाज से लेते लेते हैं, जब देने की बारी आती है तो हम बहुत कंजूस हो जाते हैं। दोस्तों बड़ी खुशी आपको तभी मिलती है आप जब देने का सुख प्राप्त करने लगते हैं, देने में खुशी महसूस करने लगते हैं। जब आप किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क भी पार कराते हैं, उससे जो थपकी आपको मिलती है उसका आनंद अलग ही होता है, वो आपको पैसा और पदार्थ नहीं दे सकते। इसलिए जीवन में जितना ज़्यादा आप दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों यदि आप एक व्यापारी हैं और कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, तो जितना पैसा, जितना दाम आप उस सर्विस या प्रोडक्ट का लेते हैं, आप रिसीवर को उससे ज़्यादा देने का काम करें। इस तरह से आपकी एक रेपुटेशन बनेगी, इस तरह से आपके मन को एक संतोष होगा और लेने वाला भी आपसे हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। तीसरा लेसन है, बी हम्बल। दोस्तों जिस तरह से एक वृक्ष से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी तरह से जब हमारे पास दौलत और शोहरत आ जाती है तो हमें हम्बल होना चाहिए, उसी पेड़ की तरह से जिस पे फल लदे हुए हैं। होता इसके बिल्कुल उल्टा है, जब हमारे पास पैसा, शोहरत, पद प्रतिष्ठा आती है तो हम अहंकार से फूलकर कुप्पा हो जाते हैं, हमारे घमंड का पार ही नहीं रहता, हम आसमान को छूने के साथ साथ जमीन को भी छोड़ना शुरू कर देते हैं और यहीं से हमारा पतन शुरू होता है। दोस्तों हमें हर हाल में अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि हम सदा हम्बल रहें, सदा जमीन से जुड़े रहें। चौथा लेसन है, सिंप्लीफाई। दोस्तों हमने अपने जीवन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है, हमें जीवन जीने के लिए बहुत कम सामान की आवश्यकता होती है, लेकिन हम दिन पे दिन बहुत सारा इकट्ठा करते रहते हैं, अपने दिमाग को भी कचरे से भरते रहते हैं और अपने घर को भी कचरे से भरते रहते हैं। यदि हम डीक्लटरिंग शुरू कर दें, अपने दिमाग से भी फालतू का कचरा, फालतू के विचार निकाल दें और अपने घर से भी वो सारा सामान निकाल दें जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम बहुत बड़े सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। डीक्लटरिंग करना सीखिए, अपने जीवन को सिंपल बनाना सीखिए और कम चीज़ों में खुश रहना सीखिए। जितनी ज़्यादा आपकी इच्छाएं होंगी उतना ही दुख आपके पास आएगा। पांचवा लेसन, कीप लर्निंग। दोस्तों जीवन के अंदर सदा परिवर्तन होते रहते हैं, हमारे जीवन के अंदर भी हर रोज के हिसाब से लगातार परिवर्तन होते हैं। हम जो एक साल पहले थे आज वो नहीं है, अगले एक साल के बाद हम एक नए इंसान होंगे, हमारा शरीर भी बदलता है, मन भी बदलता है, विचार भी बदलता है और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रस्तुत होती है। हम जितना ज़्यादा नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे, नई नई स्किल को ग्रहण करेंगे, उतना ही हमारा दिमाग भी काम करेगा और उतने ही ज़्यादा हम इक्विप्ड होंगे आज के समय में बेहतरी से जीने के लिए। तो इसलिए अपने मन को हमेशा नया नया कुछ ना कुछ देते रहिए ताकि आपका ब्रेन एक्टिव मोड में रहे, आपके नए नए सिनेप्सिस बनते रहें, न्यूरॉन्स की इंट्रैक्शन आपस में होती रहे और आपका दिमाग लगातार प्रभावी बना रहे। छठा लेसन, वेलकम चेंज। दोस्तों हम परिवर्तन से घबरा जाते हैं, लेकिन हमें अच्छा इंसान, सफल इंसान,
खुशनुमा इंसान बनने के लिए परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारे आचार में, व्यवहार में, परिस्थितियों में सब जगह परिवर्तन होता है, और परिवर्तन कभी भी कहकर नहीं आता। अचानक आने वाला परिवर्तन कई बार मनुष्य को तोड़ देता है, और बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं कि उन आने वाले परिवर्तनों को ही ढाल बनाकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी असफलताओं में से ही वो सफलता का रास्ता तलाश लेते हैं। हमें ऐसे ही बनना है, हमें किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे एम्ब्रेस करना है, उसे गले लगाना है। सातवां लेसन, परफेक्शन इज इल्यूजन। दोस्तों, हमें परफेक्शनिस्ट बनने की बजाय एक्सीलेंस से अपना काम करना है, यानी अपना काम बड़े प्रभावी तरीके से करना है। हमें परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। दुनिया के अंदर जो भी लोग परफेक्शनिस्ट बनने का दावा करते हैं या कोशिश करते हैं, उनको डिप्रेशन और स्ट्रेस हो जाता है। कारण ये होता है कि उस परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में वो प्रोक्रास्टिनेशन कर देते हैं, चीज़ों को टाल देते हैं, छोड़ देते हैं, और काम को शुरू ही नहीं कर पाते, और शुरू कर जाते हैं तो बीच में ही, अधर में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, यदि आप जीवन के अंदर बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप एक्सीलेंस का चुनाव करो, ना कि परफेक्शन का। आठवां लेसन, आस्क क्वेश्चंस। दोस्तों, सभी महान लोगों के अंदर एक कॉमन खूबी होती है जिसे प्रश्न पूछना कहते हैं, क्वेश्चनिंग करना कहते हैं, अवेयर होना कहते हैं, जागरूक होना कहते हैं। दोस्तों, जब हम जागरूक होकर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करते हैं, तब हमारे दिमाग के अंदर उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, तब हमें धीरे धीरे करके अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं, और हम एक वाइज इंसान बन जाते हैं, बुद्धिमान इंसान बन जाते हैं। जितने ज़्यादा और जितनी कम उम्र में हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, उसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बनते हैं। दोस्तों, आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा जीवन अलग अलग प्रयोग करते हुए बीता। जब बचपन में वो छोटी उम्र में थे तो वो अपने गुरुओं से बहुत सारे प्रश्न करते थे, अध्यात्म के ऊपर, जीवन के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, और उन सारे प्रश्नों से ही उनके दिमाग की डिक्लटरिंग होती गई और उनके दिमाग में ऐसे विचार आते गए जिन्होंने उन्हें महात्मा बुद्ध बनने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, यदि आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं, महान काम करना चाहते हैं और बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे प्रश्न पूछने ही होंगे। नौवां लेसन, हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, आपके जीवन की खुशियों की चाबी आप ही के हाथ में होनी चाहिए। आप दूसरे व्यक्ति के हिसाब से अपने जीवन को नहीं चला सकते। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए तो उसके लिए आप खुद को अकाउंटेबल बनाएं। यदि आप दूसरे व्यक्ति या परिस्थितियों के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी जीवन के अंदर आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप किसी कुत्ते को कंकर मारते हैं और कुत्ता आपके ऊपर भौंकता है, तो रिस्पॉन्स करने की शक्ति ईश्वर ने आपको दी है। जब कोई भी स्टिमुलस आप तक आता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना, उसका प्रति उत्तर देना आपके हाथ में होता है, और दो कानों के बीच में जो दिमाग है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। यदि आप सुनकर उसी तरह से बिहेव करोगे, एक्शन के प्रति रिएक्शन करोगे, तब आप में और उस पशु में क्या फर्क रहेगा? ईश्वर ने आपको एक ऐसा दिमाग दिया है जो सोच सकता है, समझ सकता है, बुद्धिमता से डिसीजन ले सकता है, तो उसका बेहतर इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी खुशियों की चाबी आपको अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि आप ही अपने जीवन के नियंता हो। दोस्तों, ये थे वो 9 शानदार लेसन जो महान लोगों की जिंदगी हमें सिखाती है। यदि हम भी चाहते हैं अपने जीवन के अंदर खुशियां और सफलता लाना, तो हमें इन आदतों को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों के भी काम आ सकता है, तो इसे शेयर अवश्य करें, और इस तरह के मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।